नमस्कार, मैं हूं सोनू और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन अखबार का यूट्यूब चैनल। मैं अभी मौजूद हूं सासाराम कलेक्टरेट गेट पर और यहां पर देख सकते हैं कि लगातार परिवहन विभाग के द्वारा देख सकते हैं कि टू व्हीलर और फोर व्हीलर पर फाइन किया जा रहा है और वह मैं दृश्य दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ कि देख सकते हैं कि अतिक्रमण हटाओ अभियान भी शुरू किया गया है और यहाँ पर देख सकते हैं कि जिला के वरीय अधिकारी दंडा अधिकारी यहाँ पर चंद्रमा राम जी भी मौजूद है और मैं दृश्य दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ कि देख सकते हैं कि परिवहन विभाग की पूरी टीम है यहाँ पर और लगातार इन लोगों के द्वारा यह अभियान चलाया जा रहा है और इस अभियान में लगातार टू व्हीलर और फोर व्हीलर पर फाइन किया जा रहा है। मगर लोगों का आरोप है कि टू व्हीलर पर जो इन लोगों के द्वारा फाइन किया जा रहा है यह मनमाने ढंग से किया जा रहा है, एक तरह से कह सकते हैं कि दबंगा ही किया जा रहा है, इसलिए कि गाड़ी की कीमत 20 से 25 हज़ार 30 हज़ार सेकेंड हैंड गाड़ी की है और 25 से 30 हज़ार 35 हज़ार 20 हज़ार मैक्सिमम फाइन टू व्हीलर को किया जा रहा है। ऐसे में लोगों में काफ़ी आक्रोश है और साफ तौर पे लोगों का कहना है कि केवल इन लोगों के द्वारा टू व्हीलर पर फाइन किया जा रहा है, फोर व्हीलर को इन लोगों के द्वारा फाइन नहीं किया जा रहा है। और मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ कि देख सकते हैं अतिक्रमण हटाओ अभियान भी चलाया जा रहा है, यहाँ पर साथ में दंडा अधिकारी भी मौजूद है और देख सकते हैं कि पूरा अतिक्रमण हटाया जा रहा है। देख सकते हैं कि यहाँ से जो ठेला वाले थे, खुपचा वाले थे, यहाँ से हट चुके हैं और मैं बता दूं कि यहाँ पर जिस तरह से ADTO जो अमर ज्योति जी हैं उन्हीं के नेतृत्व में यहाँ पर परिवहन विभाग के द्वारा फाइन किया जा रहा है और यह फाइन लगातार चलाया जा रहा है। वह मैं दृश्य दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ और इस फाइन से यहाँ के सासाराम के लोग हैं जो काफ़ी ग्रसित हो चुके हैं। लोगों का कहना है कि मनमाने ढंग से परिवहन विभाग के द्वारा फाइन किया जा रहा है और इस पर सरासर देख सकते हैं कि ADTO यहाँ पर अमर ज्योति जी भी हैं और इनकी पूरी टीम है। लोगों का आरोप है कि हम गरीब आदमी हैं, टू व्हीलर लेकर आते हैं, मनमाने ढंग से ऑनलाइन चालान कर दिया जाता है, फाइन कर दिया जाता है, हम लोग कहाँ से देंगे, कहाँ से भरपाई कर पाएंगे। मगर जब बात आती है फोर व्हीलर को तो मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ कि GT रोड पे फोर व्हीलर भी आ रहा है मगर उसको हाथ लगाने के परिवहन विभाग के पास हिम्मत ही नहीं है, वो परिवहन विभाग कर ही नहीं सकती है। मैं वो दृश्य दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ कि तमाम फोर व्हीलर गाड़ी जा रही है उसको सर्च नहीं किया जा रहा है, टू व्हीलर को केवल रोका जा रहा है और टू व्हीलर पर जबरदस्त तरीके से फाइन किया जा रहा है। आइए कुछ लोग हैं, हम बात करते हैं। ओके, फाइन हुआ है तुम्हारे गाड़ी का? हम क्या करेंगे, हमारे गरीब आदमी, अभी रजिस्ट्रेशन मेरा अभी हुआ था, अभी हम गए थे, अभी महावीर स्थान पूजा कराए, जबरदस्ती हमको खींच के, मैं लाइसेंस नहीं लेके गया था आने के। गरीब कैसे हो यार, आप अच्छी पर चल रहे हो, DL नहीं है क्या? हाँ DL है, घर पर है, छोड़ गया था। हाँ गरीब थोड़ो है, लोन पर लिए हैं, सारा लोने पर काम होता है, ठीक है, कल दिखाओ के लिए आदमी कमाता है, ठीक है, गरीब आदमी के टरपा रहे हैं, यहाँ पर गुंडागर्दी हो रहा है, पुलिस प्रशासन जबरदस्ती। कितना फाइन मारा गया है? 13,500 मारा गया जी। हाँ गाड़ी कितने दिन हुआ लिए? अभी रात में लगा लिए है, रात में लिए हैं, रात में, कल रात में लिए? जी जी रात में लिए हैं, कल रात में खरीदे? हाँ कल गाड़ी रात में। कितना फाइन कर दिया गया? 13,500 हाँ, मेरे पास स्लिप है। देखे तो चालान जमा करना है? चालान उसके बारे में सोचे, कमाएंगे तब ना करेंगे, जमा करेंगे? हाँ हम एक साइड कमते हैं, हलवाई काम करते हैं, अभी मेरे लगन चलेगा तो करेंगे, हमारा विचार है, अब करबो नहीं करेंगे हम। हाँ देख सकते हैं कि आप वीडियो में साफ तौर पे जिसको जो अपाची मोटरसाइकिल के साथ जिस पर फाइन किया गया है उसको पुलिस यहां से उठाकर ले जा रही है और मैं दृश्य दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। जब वो मीडिया से बात करने का प्रयास किया तो पुलिस उसको बात नहीं करने दी और पुलिस उठाकर उसको थाने ले जा रही है और अपनी गाड़ी में बैठाई हुई है। वह मैं दृश्य दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ कि देख सकते हैं कि नगर थाना का गाड़ी है और पुलिस के द्वारा उसमें बैठा लिया गया है। भैया क्या कहिएगा, फाइन किया गया है 5,000 का? क्या कहेंगे हम, कुछ नहीं कहेंगे। रॉन्ग साइड से आ रहे थे? हाँ। तो नहीं ना आना चाहिए, ठीक है भाई, नहीं क्या क्या बोला गया? 5,000 का फाइन है। 5,000 का फाइन कर दिया गया? हाँ। डीएल वेल सब कुछ था? सब कुछ है। पोल्यूशन था? सब है, सब। गाड़ी का डॉक्यूमेंट 4 फीट था? 4 फीट है, है? हाँ 4 फीट है। जैसे कि अभी आपने लोगों से सुना, लोगों में काफ़ी आक्रोश है और इन लोगों के द्वारा कहा जा रहा है कि लगातार परिवहन विभाग के द्वारा फाइन किया जा रहा है और केवल टू व्हीलर पर ही फाइन किया जा रहा है। ऐसे में सुन सकते हैं कि लोगों में काफ़ी आक्रोश है परिवहन विभाग के द्वारा और मैं एक बात बता दूं कि यह परिवहन विभाग के द्वारा अच्छी पहल कही जा सकती है मगर परिवहन विभाग के द्वारा हिम्मत नहीं है कि फोर व्हीलर पर हाथ रुकवा कर देख सकते हैं। यहीं से फॉर्चूनर भी गुजरते हैं, यहीं से स्कॉर्पियो भी गुजरते हैं और यहीं से बड़े बड़े फोर व्हीलर गुजरते हैं मगर उन पर हाथ नहीं लगा सकते और उनके डॉक्यूमेंट्स को चेक नहीं कर सकते और केवल टू व्हीलर लोगों पर ये अपना धौंस दिखाकर फाइन कर रहे हैं और इस तरह का फाइन उनके द्वारा लगातार किया जा रहा है। और मैं बता दूं कि फाइन इतना ही नहीं 20,000 25,000 और 30,000 तक किया जा रहा है और इसी को लेकर लोगों में काफ़ी
आक्रोश है। साफ तौर पे लोगों में कहना है कि लगातार परिवहन विभाग के द्वारा यहीं पर वाहन जांच किया जा रहा है और वाहन जांच में सबसे ज्यादा टू व्हीलर लोगों को परेशान किया जा रहा है। सुन सकते हैं लोगों में किस तरह से आक्रोश है। जैसे ही एक लड़का ने, एक युवक ने इसको आपत्ति जताया तो उसको नगर थाना को बुलवा कर DTO के द्वारा उसको उठवा लिया गया। बाकी तमाम आप ऐसे ही खबर देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, धन्यवाद।